अस्सलाम वालेकुम भाई। आपका वालेकुम सलाम। नाम भाई? अब्दुल्ला से। अब्दुल्ला भाई, आप ये कब से काम कर रहे हैं? 1 साल से। 1 साल से। उससे पहले क्या करते रहे? दुकानों पे सप्लाई वगैरह आप देते रहे हैं? जी। ठीक है, तो वहाँ से पैसे जमा करके तो ये आपने फिर प्लांट लगाया है? जी। ठीक है, ओके। अस्सलाम वालेकुम भाई। वालेकुम सलाम। आपका नाम? अब्दुल कादिर। अब्दुल कादर भाई, आप इधर क्या है? मैं यहाँ पे मैनेजर। मैनेजर है। तो ये बच्चा जब स्कूल चला जाता है तो उसके बाद सब आप डील कर रहे हैं इस टाइम आप? जी जी, मैं। ठीक है भाई, मार्केटिंग भी, अकाउंट्स भी, सब कुछ। सब कुछ आप डील कर रहे हैं। तो ये कब से काम कर रहे हैं? तकरीबन 1 साल हो गया है। 1 साल हो गया है। तो इसका जो काम कर रहे हैं तो इसका आप तारुफ कराएँ ज़रा बर मेहरबानी। ये हमारा फिल्ट्रेशन प्लांट है। हाँ जी भाई। ये बाल लगा हुआ है जो ऊपर से पानी, ऊपर टैंकी से पानी आता है। हाँ जी। हम इस बाल को खोलते हैं। हाँ जी। पानी पहले इस फिल्टर में जाता है। हाँ जी। फिल्टर होके फिर इस फिल्टर में जाता है। ठीक है। फिर यहाँ से फिल्टर होके ये तीसरा फिल्टर में जाता है। हाँ जी। तीसरे फिल्टर से होके फिर ये चौथा फिल्टर लगा हुआ है। हाँ जी। चार फिल्टर हमने लगाए हैं ताकि हमारा जो पानी है वो 100% श्योर हो के वो जरासीम से और हर चीज से पाक हो। सौ फीसद प्योरिटी हो पानी की। और या और इसका इसमें जो चार फिल्टर हमने लगाए हुए हैं वो डेली हम सुबह चेंज करते हैं उसको। ठीक है भाई। यहाँ से चौथा पानी से फिल्टर होके पानी जाता है आरओ मेम्ब्रेन में। ठीक है भाई। मेम्ब्रेन का काम ये होता है कि वो पानी को अलग कर देता है, जो साफ पानी होता है वो अलग हो जाता है। हाँ जी। और जो फिल्टर के बाद पानी गंदा हो गया होता है उसका वो अलग कर देता है। ठीक है। तो फिर जो फिल्टर पानी गंदा होता है वो वेस्ट हो जाता है। हाँ जी। और जो पानी सही होता है, साफ पानी होता है फिल्टर वाला। हाँ जी। वो यहाँ से पाइप से होके और ये टैंकियों में चलाया जाता है। ठीक है। ये बड़े टैंकर। हाँ, ये कितने लीटर का जो टैंकर से आपके पास लगे हुए? ये 500 गैलन का। 500 गैलन के हैं। ठीक है। और उससे पहले इसमें टैंकी में जाने से पहले ये हमारे मिनरल्स हैं, कैल्शियम है, पोटाशियम है और मैग्नीशियम है। हाँ, इसकी एक खास मिकदार जो है। हाँ, वो इसमें ऐड हो जाती है। ये पाइप लगे हुए हैं। हाँ जी। मैं आरओ मेम्ब्रेन से जैसे ही पानी निकलता है। हाँ, इसकी एक खास मिकदार मिनरल्स की इसमें ऐड हो जाती है जो पानी की टेस्ट को और ज़्यादा बेहतर कर देती है। ठीक है। तो उसके अलावा जो आप से मेरी बात पहले हुई थी कि आप सुबह 8 से 5 बजे तक ये शॉप खोलते हैं, उसके बाद जो आपकी इंतज़ामिया तब्दील हो जाती है, वो उसके बाद जो सप्लाई के लिए माल होता है बोतलें वगैरह भरते हैं, जो सैंपल्स के तौर पे ये हम दिखाएंगे अपने कस्टमर्स को, ये इसके बाद ये सामने पड़ी हुई है बोतलें। तो इंतज़ामिया आपकी कितने बजे से कितने बजे तक ये काम कर रहे हैं? ये 6 से 12 बजे हमारे दूसरी टीम आ जाती है जो पानी को पानी के पैड बनाती है। हाँ, उसको पैक करके उसके पैड बना देती है। हाँ, और सुबह फिर हमारी मुख्तलिफ एजेंसियाँ जो आ जाती हैं और वो हम उन्हें आप सप्लाई दे देते हैं। ठीक है। तो इसके अलावा कोई नया काम करना चाहे तो उसे आप कोई मशवरा दे सकते देंगे? यही काम तो इसी तरह बेहतर होगा कि जिस तरह ये बच्चे ने काम शुरू किया था कि पहले निचली सतह से शुरू किया था कि किसी भी प्लांट से ये स्टॉक इसने ख़रीदा तो उसके बाद ये उसे सेल करता था, तो कुछ अरसे बाद इसे तजर्बा हो गया तो कुछ पैसे इसने जमा किए तो ये प्लांट इस बच्चे ने लगाया है, तो आप बेहतर गाइड कर सकते हैं। तो वो बिल्कुल, ये अब्दुल्ला भाई की, सिर्फ अब्दुल्ला भाई की मेहनत है। उन्होंने इतने छोटे सी उम्र में इस काम को इतना बढ़ाया है कि माशाल्लाह इनका घर भी चल रहा है और ये पढ़ाई भी साथ साथ कर रहे हैं और इसमें माशाल्लाह बचत भी है। ठीक है। और उसमें ये है कि इन्होंने बचपन में ही बहुत ज़्यादा मेहनत की है। इन्होंने पहले
खुद से इसको मेंटेन किया है। हाँ जी, निचली स्तर से ऊपर आए हैं। ऊपर ठीक है, जब इंसान नीचे से ऊपर आता है ना तो उसको हर एक चीज का इलम होता है। ठीक है, इन्होंने सप्लाई से शुरू किया, एक एक दो दो बोतलें दुकानों पे एक दो दो पैड देने से शुरू किया और आज माशाल्लाह इनका। हाँ, तो ये समझे कि जो बच्चे साथ पढ़ रहे हैं तो कोशिश करें काम भी और तालीम साथ साथ जारी रखनी है। ये नहीं कि पैसे आ गए हैं तो उस लालच में तालीम को छोड़ दें तो काम की तरफ, काम नहीं, पहले तालीम तो फिर साथ काम का। जी बिल्कुल ऐसे ही है। अब्दुल्ला भाई पांचवी जमात में पढ़ रहे हैं, फ्री होके स्कूल से फ्री होके ट्यूशन जाते हैं, ट्यूशन जाके फिर मेरे पास। सारा आपका ये कंप्यूटराइज निज़ाम है जी, तो ये ज़रा कंप्यूटर दिखाइएगा आप। ये अब्दुल्ला भाई भी बैठे हुए हैं इधर, तो ये भाई ने सारा डील कर रहे हैं, ये सिस्टम है सारा। ठीक है, हम ज़्यादा क्योंकि नज़दीक इसलिए नहीं दिखा सकते कि उनके सारा काम का सिलसिला, तो इसलिए। ठीक है भाई, इधर दूसरे नंबर पे अभी आप ये जो पानी भरते हुए भी ज़रा हमें दिखाएं। अस्सलाम वालेकुम भाई। वालेकुम सलाम भाई। तो ये क्या कर रहे हैं भाई आप? बोतल वाश कर रहे हैं भाई। बोतल वाश कर रहे हैं, तो ये काम आप कितने अरसे से कर रहे हैं? काम से काम 22-23 साल हो गए हैं। 22-23 साल का तजर्बा आपका। इससे पहले आप किस किस जगह पे काम करते रहे? सर मैं ना मुख्तलिफ शहरों में काम करता हूँ। मुख्तलिफ शहरों में, कौन कौन से शहरों में काम किया आपने? सर सियालकोट में, गुजराला में, मुल्तान में। हाँ जी, ठीक है। यहाँ फीलिंग हो रही है, सही फीलिंग हो रही है। से आपने सील लगा दी है? हाँ जी, ठीक है। इसको कपड़े के साथ साफ करेंगे। हाँ जी, सोप कर दी। हाँ जी, अभी ये दही को देंगे। अस्सलाम वालेकुम भाई। ये अब कब से आप इनसे ये पानी ले रहे हैं भाई? 6-7 माह हो गए हैं। तो पानी इनका कैसा है? बहुत अच्छा पानी। बहुत अच्छा, ठीक है। तो जायका वगैरह बेहतर है? जी बेहतर है। ठीक है भाई, मेहरबानी, शुक्रिया।